अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर वन, बुक टू से लिया गया है। और इसका पहला चैप्टर है, इसका नाम है द डाइंग सन, टूटता फूटता हुआ सूरज। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और आपको पता है कि इसके तीन पोर्शन होते हैं, जिनमें बुक टू में से इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चन है पूछता है। सो वन बाय वन मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो जाए या किसी को कहीं से समझ ना आए, तो वो लाजमी मेरे साथ पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। कहते हैं कि हाउ इज इट डैट अ स्टार सैटर्न फाइंड्स अनदर स्टार नियर। ये क्यों कर है कि एक सितारा शाजो नादर किसी दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है? सो इसका जवाब है, इन नंबरेबल स्टार्स मूव इन स्पेस, बेशुमार सितारे खला में गर्दिश करते रहते हैं। दे ट्रेवल अलोन, वो अकेले सफर करते हैं। दे आर फार अवे फ्राम ईच अदर, वो एक दूसरे से कोसों दूर हैं। सो अ स्टार कैन नॉट कम टू नियर द अदर, बस कोई सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आ सकता। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपके पास टू वाला, क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर है, ये तीनों क्वेश्चन सेम है तकरीबन, और इनका आंसर जो है वो एक ही है। पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं ताकि आप समझें क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वंडरिंग स्टार वंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक इस वक्त क्या रूनुमा हुआ जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा खला में गर्दिश करते हुए सूरज के करीब आ निकला? क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, कहता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द वंडरिंग स्टार केम नियर द नियर, इस वक्त क्या रूनुमा हुआ जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब से करीब तर आता चला गया? क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, सियारे क्या हैं और ये किस तरह वजूद में आए? आपने देखा ये तीनों जो क्वेश्चन है एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं और इनका आंसर भी एक जैसा है। आंसर देखते हैं क्या है। अ वंडरिंग स्टार केम नियर द सन, गर्दिश करता हुआ एक सितारा सूरज के करीब आया। इट रेज्ड अ बिग वेव ऑन द सरफेस ऑफ द सन, तो इसने सूरज की सतह पर एक बड़ी लहर पैदा की। द नियर द सन, द नियर द स्टेट केम द हायर द वेव रोज, सितारा जितना करीब आता गया लहर इतनी ऊंची उठती गई। देन द वेव ब्रोक इन टू पीसीस, फिर ये लहर टुकड़े टुकड़े हो गई। दीज पीसीस फेल ऑफ द सन, ये टुकड़े सूरज से परे जा गिरे। दे बिगन टू मूव अराउंड द सन, वो सूरज के गिर्द मदार में चक्कर लगाने लगे। दे केम टू बी नोन एज प्लैनेट्स, वो सियारे के तौर पर पहचाने जाने लगे। ऑन आवर अर्थ इज वन ऑफ देम, हमारी जमीन भी इन्हीं में से एक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव है, इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, तारों पर जिंदगी क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है, द स्टार्स आर द बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर, सितारे आग के बड़े बड़े जलते हुए गोले हैं। लाइफ वुड मेल्ट अवे देयर, जिंदगी वहां पिघल जाएगी। देयरफॉर ताहम देयर इज नो लाइफ ऑन द स्टार्स, इसीलिए सितारों पर कोई जिंदगी नहीं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसको डिस्कस करते हैं। राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जमीन पर जिंदगी की इब्तदा पर नोट लिखें। सो इसका जवाब है, सर जेम्स जीन सेज दैट लाइफ बिगन इन द फॉर्म ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर जेम्स जीन्स कहता है कि जिंदगी एक जिंदा जसूमा की शक्ल में वजूद में आई। देन इट चेंज इनटू अ ह्यूमन बीइंग, इसके बाद इंसान वजूद में आया। इन दिस वे लाइफ बिगन ऑन अर्थ, इस तरह से जमीन पर जिंदगी की इब्तदा हुई। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि वाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटेंड, गिव रीजन एज यू कैन। इसका
जो जवाब है उसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं कायनात जिसका एक हिस्सा हमारी ज़मीन भी है इतनी डरावनी क्यों है, आप इतनी वजूहात बयान करें जितनी आप कर सकते हैं। सो इसका जवाब है द यूनिवर्स इज फुल ऑफ बर्निंग स्टार्स, कायनात आग के जलते सितारों से भरी पड़ी है। द स्पेस इज वेरी कूल, खला बहुत सर्द है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट एनी वेयर एक्सेप्ट ऑन अर्थ, मासवाय ज़मीन के ज़िंदगी कहीं वजूद में नहीं आ सकती। ऑल दीज थिंग्स मेक द यूनिवर्स फ्राइटन, ये सब चीज़ें कायनात को डरावना बना देती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और लास्ट वाला, इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि वाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज, क्या आपकी राय में इस ज़िंदगी को जिसे हम जानते हैं दूसरे जरामे फलकी पर वजूद में आने के लिए कौन से हालात ज़रूरी हैं। डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट, क्या ऐसे हालात मौजूद हैं। सो इसका जवाब है एयर वाटर एंड मॉडरेट टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर लाइफ, हवा पानी और मुतअद्दिल दर्जा हरारत ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। दीज थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी वेयर इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट ऑन अर्थ, ये चीज़ें सवाए ज़मीन की कायनात में कहीं वजूद में नहीं रखती, कहीं अपना वजूद नहीं रखती, यानी कहीं भी ये चीज़ें ज़मीन के अलावा नहीं पाई जाती। आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हमने इंग्लिश क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर 1 द डाइंग सन टूटता फूटता हुआ सूरज की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो लाजमी मुझसे डिस्कस करें, लाजमी मुझसे पूछे ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।